आपको स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूँ प्रतीक। तो हम सबका मन करता है कि हम एक स्लाइम बनाएं और उसके साथ खेलें। स्लाइम बनाने के लिए हमें ग्लू के साथ एक्टिवेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्टिवेटर में बोरॉक्स पाउडर होता है। बोरॉक्स पाउडर को हम लोग किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि अमेजोन से खरीद सकते हैं, पर अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग बोरॉक्स पाउडर को ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाए जो कि एक्टिवेटर की तरह काम करते हो और हमारे स्लाइम को एक्टिवेट करने में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा स्लाइम बन पाता है या फिर नहीं। गाइस, पहले हम लोग बनाएंगे बोरॉक्स पाउडर। बोरॉक्स पाउडर बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है डिटर्जेंट पाउडर। मैंने व्हील ब्रांड का डिटर्जेंट पाउडर लिया है। सेकंड है वाइट सॉल्ट और ये मार्केट में मिलने वाला नॉर्मल सॉल्ट है। तो चलिए पहले बोरॉक्स बनाते हैं। तो गाइस, पहले मैंने एक एम्प्टी बाउल लिया है। मैं उसमें 1 टीस्पून डिटर्जेंट पाउडर डालूंगा और फिर 1 टीस्पून सॉल्ट डालूंगा। चलिए डालते हैं। अब इसे स्टीयर कर लेते हैं। वाटर ऐड करूंगा। चलिए ऐड करते हैं। अब इसे स्टीयर कर लेते हैं। डालने के बाद ये मिल्क जैसा व्हाइट कलर का दिख रहा है। हमारा बोरॉक्स लगभग तैयार हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि इससे हमारा स्लाइम बनता है या फिर नहीं। अब हम लोग बनाएंगे स्लाइम। स्लाइम बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है फेविकॉल का गम, उसे कलर करने के लिए कलर्स, एक खाली बाउल, स्पून और हमारा एक्टिवेटर। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसमें मेरा फेविकॉल डाल दूंगा। चलिए डालते हैं। गाइस, मैंने इसमें मेरा फेविकॉल डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगा कलर। तो मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर ले रहा हूँ। चलिए डालते हैं।
है। चलिए अब इसे स्टीयर कर लेते हैं। गाइस अब हम लोग इसमें और थोड़ा एक्टिवेटर ऐड करेंगे। तो देखिए अब ये नॉन स्टिकी भी हो रहा है। अब ये बाउल से भी चिपक नहीं रहा है। बोरॉक्स बनाया था उससे हम लोग स्लाइम बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, तो आपको इसको घर में ट्राई करना चाहिए। तो मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।